नमस्कार अर्गस अपडेट सह मु निवेदिता बुलेटिन पूर्वरु हेडलाइंस बिहार उपनिर्वाचन पर प्रथम पर्याय भोटिंग आरंभ कोविड कटकणारे 16 जिलार 71 निर्वाचन मंडल में चली मतदान मध्याह 12टा सुधा 18% फुली वर्ष शेष पूर्व बस विधानसभा विधि अनुसार वर्षक 60 दिन कार्य दिवस राज्यपाल निष्पत्ति को अपेक्षा निष्पत्ति परे प्रस्तुत हो 40 दिनिया कैलेंडर शीत अधिवेशन नहीं बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र सूचना राज्य में 24 घंटे 1540 पॉजिटिव चिन्ह क्वारंटीन 886 स्थानीय संक्रमण 654 पुणी 12 मुंड नहीं महामारी खोर्धा झारसुगुड़ा नुआपड़ दुई जन लेखाएं मृत्यु राजरास्त अन्नदाता फसल बीमा दाबी रास्त शह शह चाषी प्रतवाद कंटाबंजी और बलांगीर रास्ता अवरोध कले सलंडी पंचायत शह शह चाषी संबलपुर डाखल शिशु बिक्री अभोग 15,000 टकर नवजात शिशुकन्या को बिकिदे बापा मां खबर पाए उद्धार कले चाइल्ड लाइन अधिकारी लाजीगढ़ में माओ पोस्टर राज्यर श्रमिकों कर्मसंस्थान जोगाइबा दाबी मास्क और औषध किणवा दुर्नीति तदंत कार्यानुष्ठान दाबी कले माओवादी मंदिर न खोल प्रसंग पुणी राज्यव्यापी सेवायत संघर शांतिपूर्ण प्रतवाद पुरी श्रीमंदिर सम्मुखें सेवायतों धारणा एपटे भुवनेश्वर झाड़ेश्वरी मंदिर आगे प्रतवाद जणाइले सेवायत एवं ओडिशा छाड़ा मौसुमी ओडिशा सह पूरा देशरु विदा नेला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दुई दिन पूर्व अधा राज्य विदा नहीं मनसून बिहार में किए मारिबो बाजी कहा मुंडरे सुना कलस ढाळिबे जनता आज प्रथम पर्याय भोटिंग आरंभ होता बेले प्रार्थी भाग्य निर्धारण चली देखिबा बिहार निर्वाचन संपर्कित खबर आज बिहार निर्वाचन पर प्रथम पर्याय मतदान आरंभ हो 2,14,00,000 रु अधिक भोटर 1,066 जन प्रार्थी भाग्य स्थिर करेंगे बिहार में मध्याह 12टा सुधा 18% पोलिंग तेरे बीजेपी 29 आसन प्रतिद्वंदिता करुवा बेले जेडीयू 35 आरजेडी 42 और कांग्रेस 20 आसन लड़ुचे से हीपरी बाम मेंट 9 स्थान में भाग्य परीक्षा करुचे तेरे कोविड कटकणा भितर 16 जिलार 71 निर्वाचन मंडल में चली मतदान कोरोना महामारी परिस्थिति मध्यरे ए निर्वाचन देश में प्रथम प्रति बूथ 1,000 मतदाता भोट देबे 80 रु अधिक वयस भोटर मानक विकल्प भोटदान व्यवस्था करा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पिंधा को निर्देश दि जाता बेले समस्त व्यक्ति थर्मा स्क्रीनिंग करा एवं प्रति मतदान केन्द्र में सानिटाइजर व्यवस्था करा छि 2,14,00,000 रु अधिक भोटर 1,066 जन प्रार्थी भाग्य स्थिर करेंगे तेरे बिहार में मध्याह 12टा सुधा 18% पोलिंग होता जहाँ सूचना आसूँ तेरे बीजेपी 29 आसन प्रतिद्वंदिता करता बेले जेडीयू 35 आरजेडी 42 और कांग्रेस 20 आसन लड़ुचे से बाम मेंट 9 स्थान में भाग्य परीक्षा करुचे तेरे कोविड कटकणा भितर 16 जिले 71 निर्वाचन मंडल में चली मतदान कोरोना महामारी परिस्थिति मध्यरे ए निर्वाचन देश में प्रथम प्रति बूथ 1,000 मतदाता भोट देबे तेबे 80 रु अधिक वयस भोटर मानक विकल्प भोटदान व्यवस्था करा जायछे तेबे अधिक आलोचना करबा सीधा सड़क बिहार रे आम प्रतिनिधि इमरान खान अछंती तांको सहित आलोचना करबा तेबे इमरान आज बिहार रे बिहार निर्वाचन पर प्रथम पर्याय मतदान चली केमिति चली मतदान प्रक्रिया कहीं कोविड कटकणा मध्यरे निर्वाचन कमिशन को जा गाइडलाइन रही मानी वर्तमान भोट चली देखु निवेदिता वर्तमान बिहार रे जो रही आम गणतंत्र महापर्व तार आज देखा मिलूँ झलक जेहेतु आज विधानसभा निर्वाचन होती प्रथम पर्यायर 71 आसन पर आज मतदान प्रक्रिया सकाल 7 आरंभ हो जाए संध्या 6टा जाए पर्यंत यह मतदान प्रक्रिया चलो वर्तमान सुधा जहाँ ताजा सूचना मिली दिन गोटे सुधा 33.11% मतदान होेतु आज 71 आसन पर 16 जिले में निर्वाचन होती पूरापूरी भाव में व्यवस्था कड़ाकड़ी सुरक्षा व्यवस्था कथ कहतु खास करके जेहेतु वर्तमान कोरोना समय निर्वाचन हो
कोरोना गाइडलाइन रही सठिक भाव में पालन करो मतदाता मैंने आोट देवाई से भितर केमी जो रही सामाजिक दूरता रस्ते मास्क पिंधिक समस्त मतदान बूथ भितर को प्रवेश करने पूर्व से थर्मल स्क्रीनिंग सहित समस्त हाथ को सानिटाइज कर सहित गोटे से स्वतंत्र ग्लोवस दि जाए ग्लोवस पिंधिके से भोट देवाई जी जेहेतु आज जो रही 1066 जन प्रार्थी भाग्य को निर्धारण कर 2,14,6,96 जन मतदाता जेहेतु आज 31,371 बूथ में मतदान प्रक्रिया बर्तमान जारी रही धीरे समस्ते आसिकी तार मत सब्यस्त कर वरिष्ठ नागरिक कथ कहतु जो मैंने नुआ भोटर जुव भोटर कथ कहतु समस्ते आसिकी जो मतदान केन्द्र में बर्तमान पहुंची बिहार में बर्तमान सुरखुरी चलती निर्वाचन व मतदान चलती संध्या 6 जाए मतदान प्रक्रिया चलो जेहेतु 5 रु 6 गोटे घंटा केवल रखा जाए जो मैंने कोरोना संक्रमित थे जो मान लक्षण थी से एक घंटा समय से रखी अनेपटे जब देखिए आप बर्तमान धीरे धीरे जो रही संक्रमित जो रही जो मतदाता रही आसु दिन 2 बर्तमान बाजी तो कोटि ना कोटि जो मतदाता संख्या बर्तमान कमी जेहेतु दिन 2 पर कथ तथापि धीरे धीरे जो मतदाता रही आसुच्चे मत सब्यस्त करपटे जो सुरक्षाकर्मी मैंने रही खास करके केन्द्रीय सुरक्षाकर्मी को विभिन्न जगह मुतयन कर विभिन्न बूथ से मुतयन अच्छा किसी भोटर अच्छा भोटर से बातचीत करते हैं भैया कोरोना के समय कोरोना के बीच गाइडलाइन के साथ चुनाव हो रहे हैं मतदान हो रहे हैं कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को मतदान कैसे हो रही है अब कैसे आपको सरकार चाहिए बिहार में आप देखना चाहते हैं जी हाँ यहाँ विकास करें मतलब डेवलपमेंट करें वैसे सरकार चाहिए वैसे गवर्नमेंट चाहिए जी अच्छा जैसे आप देखेंगे कोरोना के बीच में पूरी गाइडलाइन मानी जा रही है मास्क पहना जा रहा है सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग है पे माना जा रहा है मास्क मतलब हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है ग्लोव्स दिया जा रहा है तो उसकी तरह व्यवस्था आप कैसे देखते हैं जैसे व्यवस्था तो काफ़ी अच्छा है मतलब काफ़ी अच्छा व्यवस्था लग रहा है तो जिस तरह से बा जो रोचार मतदाता रोचे निहत भाव कोटि ना कोटि जो दिन 2 पर समय हो गला 2 बजे पाखापाखि आसने तथापि मतदाता संख्या धीरे धीरे इमरान जहाँ सूचना देते आप मध्यान 12 सुधा 18% पोलिंग सरी बर्तमान समय आईटा पर बर्तमान सुधा केतशत भोटिंग बर्तमान सुधा सरी देखो निवेदित वर्तमान जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पक्षर जो वर्तमान सुधा सूचना मिली दिन गोटे सुधा 33.11% मतदान हो सारी आउ जो 2 बाजि 2 समय जो मतदान केते प्रतिशत हो तार सूचना वर्तमान सुधा हस्तगत होना कि दिन गोटे सुधा 33.11% मतदान हो सारी जेहेतु जो रही इमामगंज जो विधानसभा निर्वाचन मंडल रही से सर्वाधिक मतदान हो 43% और जो रही 8 विधानसभा निर्वाचन मंडल रही 27% सर्वनिम्न मतदान होती दिन गोटे सुधा कितुपर जेहतु बर्तमान आम अच्छे विक्रम विधानसभा निर्वाचन मंडल में ये पाखापाखि 37% मतदान हो सारी जेहतु संध्या 6 जाए समीक्ष समय समस्त अपेक्षा करवाक पड़ो धीरे धीरे जो होती दिन 2 पर कथ हो तो मतदाता संख्या बर्तमान कमी जेहतु सका सर्वाधिक मतदाता आसिक मत सब्यस्त करते बर्तमान जेहतु आ कि समय पर मतदाता संख्या मतलब पुणी बढ़ कहीं दिन 2 पर जो मैंने व्यवसाय जो मैंने काम करती जो मैंने चाक्री करती जो ब्रेक बस समय आसवे से ही समय आसिक मतदाता कितना मोटे दृश्य देखे एठाकर जेहतु बर्तमान कोरोना महामारी समय जो बर्तमान निर्वाचन होगी समस्त एक एक्सपीरियंस रहीकिना जेहतु आप देखुए बर्तमान समग्र देश में कोरोना महामारी मध्य जिते बड़े प्रथम थर कर विधानसभा निर्वाचन होती भाव में गोटे गणतंत्र महापर्व तो रही है कितु कोरोना महामारी समय जेहतु निर्वाचन होती ये समस्त गोटे नुआ अभिज्ञता नुआ एक्सपीरियंस और नुआ व्यवस्था देखा मिली और व्यवस्था पूरा पूरी भाव में परिवर्तन हो किपर भाव में जो भोटर मैंने आमती सानिटाइज करने कहूँ से स्वतंत्र ग्लोव्स पिंधा व्यवस्था करा कर थर्मल स्क्रीनिंग करा जहाँ जहाँ कोविड गाइडलाइन रही पालन कर समस्ते आसिक भोट निजर मत सब्यस्त कर खास करके जो वरिष्ठ नागरिक अच्छा जो मैंने दिव्यांग व्यक्ति अच्छा से स्वतंत्र व्यवस्था कराकर जो सुरक्षाकर्मी अच्छा से सहयोग करती भितरक जावाई किसी वरिष्ठ नागरिक भी अच्छा वरिष्ठ महिला
যুব অনেক সমস্ত আসিকি নিজের মত সাব্যস্ত করছেন এবং এই গণতন্ত্রর মহাপর্বরে সমস্তে আসিকি সামিল হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিছু মহিলা ভোটর বি অনেক যে আসিকি নিজের মত সাব্যস্ত করছেন, কেমতি সরকার সে দেখা চাচ্ছেন বর্তমান বিহারে সিধা সড়ক তাঁর সহ আমি আলোচনা করা যা। ম্যাডাম, এবার চুনাবে আপনি মত কাজ প্রয়োগ কিয়া, কেসি দেখ রয়ে ব্যবস্থা বর্তমান কেসি হ্যাঁ, করোনা কে বীচ আপনি ভোট দিয়া, কেসি সরকার আপ দেখা চাতে হ্যাঁ বিহার মে, আপ কেসা মাহল আপ দেখা চাতে? বহুত বড়িয়া হ্যাঁ। कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने इसके पहले भी आप कई बार वोट दे चुकी हैं, इस बार कोरोना के बीच आप वोट दे रही है, तो व्यवस्था कैसे देख रही हैं? बहुत बढ़िया है। बिहार में क्या परिवर्तन और देखना चाहती हैं, और कैसे बिहार के और बिहार को आप कैसा देखना चाहती हैं? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରୁଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୁବକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଥ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୋନା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ବସିକି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା 33.11% ମତଦାନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଆହୁରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ଯୁବ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଆ ହୋଇ କିସ ତରହ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖ ରହେ ହେଁ, କରୋନା କେ ବିଷୟ ଆପ ଚୁନାବ ହୋ ରହେ ହେଁ, ତୋ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେସି ଆପ ଯୁବା ଭୋଟର ଆପ କେସି ସରକାର ବି ଦେଖନା ଚାହତେ ହେଁ ବିହାର? ଠିକ୍ ହେଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହି ହେ। मुद्दा क्या रहता है आपके सामने, क्योंकि आप युवा वोटर है तो आपके सामने क्या अहम मुद्दा रहता है, सामने क्या बड़ी मुद्दा बोलता है आपके? अच्छा, समझे नहीं बात। मुद्दा आपके पास देखिए, वरिष्ठ नागरिकों में से तो अच्छा अच्छा, आप वोट देने गए थे, आप तो इसके पहले भी कई बार वोट दे चुके हैं, क्योंकि इस बार कोरोना के बीच में कोविड गाइडलाइन के साथ चुनाव हो रहे, मतदान हो रहे हैं, कैसी व्यवस्था को देख रहे हैं वर्तमान? व्यवस्था तो मोटामोटी ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। और आगे कुछ कहना है? जो चाचा, जब देखेंगे हम बिहार में इस बार किस मुद्दे के आधार पर आप लोग को वोट देने गए थे? अरे मुद्दा तो यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए कि आदमी को चाहिए किसान के बाल बच्चों के, तो कुछ किसान के लिए तो कोई वैसा व्यवस्था नहीं हो पाता है, केवल ऊपर ऊपर होता है। जैसे अभी बिचड़ा लगाने की आ रही है खरीफ रबी की, तो आवेगा कहिया नवम्बर के बाद दिसंबर में, यही व्यवस्था है, कुव्यवस्था है ना, व्यवस्था समय पर आना चाहिए, तब ना कुछ को किसान जिएगा। किसान भी एक समस्या है, किसानों के मुद्दे हैं, वह किसान सिंह का प्रसंग रहे, इसे अंगूठे देखेबे जो अंगूठे से तंकर वोट मत सब्यस्त करछंती एवं से मध्य कैमरा पर्सन को अनुरोध के भी देखेबे जे गणतंत्र रो महापर्व रे जो माने आसी कि शामिल होती तंकर मत सब्यस्त करंती, एटा गोटे चिन्ह जते बडे दिए जाय जो माने वोट दियंती, निते बडे एटा गोटे तंक पाई भी गोटे स्मरणीय स्मृति होई के रह जाय, कि जेतु गणतंत्र रो एही महापर्व रे समस्त को शामिल हबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठार आरंभ करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଲଗୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାର ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 61 ଆସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାନ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସରିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 7 ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି 10 ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ବିହାରରେ ବାଜି ମାରୁଛି, ବିହାରବାସୀ ବା ବିହାର ଜନତା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କାହା ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ନିବେଦିତା, ଭାବରେ କିଏ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ତେବେ ବୁଣା ବାମୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଜଙ୍ଗଲରେ 1000 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, 1 IED ବୋମା, ଟିଫିନ୍ ବୋମା, ମାଓ କିଟ୍ ଜବତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ମାଓ ନେତ୍ରୀ ଅରୁଣା ଓ ମାଓ ନେତା ଜଗନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରାଗଲା ବୋଲି କହିପାରିବା?
तबे स्वाभिमान अंचलर विपुल परिमाण माओ सामग्री जबत करछन्ति सुरक्षा बाहिनी एवं बुढ़ा बामुड़ी ग्राम जंगल 1000 जीवंत गुड़ी एक आईडी बोमा टिफिन बोमा माओ किट जबत करछन्ति सुरक्षा बाहिनी एवं विशेषकर जदि कहबा माओ नेत्री अरुणा एवं माओ नेता जगन घटनास्थल फेरार हो जाइछन्ति। तबे ये कोटना कोटी गोटे बड़ सफलता कहपरिया आम सुरक्षा बाहन को जो भाव गोटे बड़ षड्यंत्र अर्थात एक बड़ जदि कह कि योजना पंड हो जो भाई भाव सुरक्षा बाहन जदि 1000 जीवंत गुड़ या सहित एक आई डी बोमा और टीफिन बोमा जबत कर कि माओ किट जबत कर सुरक्षा बाहन। तेबे पुणि थरे कहि रखुछु स्वाभिमान अंचलें विपुल परिमाण माओ सामग्री जबत करिछन्ति सुरक्षा बाहिनी एवं जोभि भाव अधिक आलोचना करिबा आम सहित मलकानगिरी प्रतिनिधि विक्रम साई आम सहित जोड़ी विक्रम जो भाव जदि कह कि सुरक्षा बाहन को एक बड़ सफलता मिली आम कहीपर कि निवेदित देखो स्वाभिमान अंचल शांति फेर आने पुलिस अनवरत से कुम्बिंग अपरेसन चलेगी तो से कुम्बिंग अपरेसन समय जो पेपर मेटला जो थाना अंतर्गत से जो गाँव चढ़ाव करता पुलिस जो नक्सल जो अतर्कित आक्रमण करते पुलिस तो से जवाब कार्रवाई जिते पुलिस नक्सल आक्रमण करते तो जंगल र सुजोग नहीं से जंगल सहित परिचित अच्छे नक्सल मान तो जंगल सुजोग नहीं से जंगल वृत्ति को पशि जीवार फेरार होजार सुविधा मिली तबे विक्रम जो भाई भाव 1000 जीवंत गुड़ी एवं एक आईडी बोमा ता सहित तो टिफिन बोमा एवं माओ किट जबत कर जो जदि कह कि सक्रिय रही थे कि माओवादी जो एक बड़ सफलता जदि कह कि मिली सुरक्षा बाहन को निहाती भाव निवेदित सक्रिय अच्छा वर्तमान सुधा स्वाभिमान अंचल माओवादी मैंने जदि कह किसी दिन पूर्व सतट सीरीज आईडी जबत कर सहित घटना कहवा जो फायरिंग होता फायरिंग समय जो नक्सल मैंने से जगह छाड़ी चली जाते जो हजार टी गुड़ी जीवंत गुड़ी आईडी टिफिन बोमा यू जबत हो तो निहाती भाव में गोटे बड़ विपद जो माओवादी योजना थोड़ा कि गोटे बड़ विपद आनी पारिथा तो से जो विपद को फंड पुलिस प्रशासन फंड कर धन्यवाद विक्रम आपणक तमाम सूचना पाई। तेज जो भाव स्वाभिमान अंचल में विपुल परिमाण माओ सामग्री जबत कर सुरक्षा बाहन कोटना कोटी एक बड़ योजना को पंड कर आसवा परवर्त खबर को डिसेंबर 31 पूर्व बस विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन विधानसभा विधि अनुसार 60 दिन गृह कार्य चलार व्यवस्था रही तृतीय और चतुर्थ अधिवेशन में सर्वमोट 20 दिन गृह कार्य चली डिसेंबर पूर्व आउ 40 दिन बस बाकी रही केबे बसिबो कोड रहिबो रूपरेख से नहीं राज्यपाल निष्पत्ति को अपेक्षा राज्यपाल निष्पत्ति पर 40 दिन क्यालेंडर प्रस्तुत होचस्पति सूचना देते आमर विधानसभा आईन अनुसार विधानसभा 60 दिन बसवा कथा तृतीय अधिवेशन 13 दिन बसला अधिवेशन 7 दिन यहीपर भाव 20 दिन अधिवेशन हो जा 40 दिन बसवार अच्छे तेणु 40 दिन अधिवेशन विधानसभा कैलेंडर तैयारी हो डिसेंबर 31 तारीख सुधा विधानसभा 40 दिन बसवा हूँ नियम तृतीय अधिवेशन 13 दिन अधिवेशन बस चतुर्थ अधिवेशन 7 दिन बस तेणु आउ जो 40 दिन बस तार कौ दिन तो आरंभ हो से कथा माननीय राज्यपाल आ राज्य सरकार निष्पत्ति कर संबलपुर रेड़ाखोल में शिशु बिक्री अभियोग गत 19 तारीख में रेड़ाखोल उपखंड चारमाला थाना अंतर्गत केउटी बाहाली ग्राम शंकर कर्ण और नलिनी कर्ण एक शिशु कन्या जन्म नहीं यापर दंपति शिशुटी को कुसापाली ग्रामर ललित प्रधान और सुषमा प्रधान को 15,000 टंका बिक्री करदे तेज गतका चाइल्ड लाइन अधिकारी शिशुटी को उद्धार कर ललित मोहन ललित प्रधान को सी से सार मैंने बिक्री कर 15,000 बोली तार मानने जो नलिनी कर्णर तार बयान अनुसार आम सूचना पाइल सर रेढ़ाखोल
ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଲଢ଼ାକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆମର CWC ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରେ ଆମେ ଆଜି ହାଜର କରିବୁ। ପିଆଜର ଆକାଶ ଛୁଆ ଦର ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ପିଆଜ ଦର ପ୍ରାୟ ମାସେ ଭିତରେ 3 ଗୁଣା ହୋଇଛି। କିଲୋ ପ୍ରତି ରେଟ୍ ରହିଛି 60-65 ଥିବାବେଳେ ଖୁଚୁରା ଦର ଏବେ 85-80 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପିଆଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାସିକରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପିଆଜ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ବାହାରୁଥିବା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନାସିକ ପରେ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନରୁ ପିଆଜ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରୁ ଆମଦାନୀ ଏବେ ଢେର କମ୍ ହେଉଛି। ଛତ୍ରବଜାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 7-8 ଗାଡ଼ି ପିଆଜ ଦରକାର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଆସୁଛି ମାତ୍ର 1-2 ଗାଡ଼ି ପିଆଜ। ନଚେତ ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ରବଜାର ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସଭାପତି। ଏଇ ତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଖାଲି କେବଳ ଏ ନାସିକ ଉପରେ ସେ ପୁରୁଣା ପିଆଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆଉ ନୂଆ ପିଆଜ ତେଣୁ ବାହାରିବା ଦୀପାବଳି ପର ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ପିଆଜ ସେଠି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ଇଏ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ 15-20 ଦିନ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଆଜ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ସୁଧୁରିବ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପିଆଜ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଆକାର ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦାମ୍ ଖାଉଟି ବି କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ବି କମ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ରହିଲେ ସେ ସରିଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କମ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ କଟକ ବାଙ୍କି କନ୍ତପହରା ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଉପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମା ମାଡ଼ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଓ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ କନ୍ତପହରା ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଳପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ଯୁବକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଗ୍ରାମର ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ବି ଯୁଗଳ କିଶୋର। ବାଙ୍କି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଟିମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ରେଡ଼୍ କରିକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଓ ରେଡ଼୍ସ ବି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆରେଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏନିମିଟି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏନିମିଟି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଏହି ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 10 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୀତା ଭବନ ପରିସରରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରିଥିଲା, ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଧାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର CDMO ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ 10 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ, ଯେ CDM ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ପୁରା ଓପନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାତିରେ ଡକ୍ଟର କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଜୋରଦାର ହେବ। ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ଚେତବାନ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଏସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବେଡ଼୍ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜି ଯିବେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜି ରାତି ଡକ୍ଟର କହୁନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେଉ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପୂରଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଘରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସଫା ସୁତୁରା ଇତ୍ୟାଦି ରହୁନି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅମୁକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁନାହିଁ, ସେବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ଟିକେ ଆମ କାନକୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଆମେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବୁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବୁ। ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼୍ର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ ସପ୍ଲାଏ
ସପ୍ଲାଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଏ କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଗୁଡ଼ା କମିଯାଇଥିଲା, ଆମର ଯେହେତୁ କ୍ୟାମ୍ପ କମିଯାଇଥିଲା ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ କମିଯାଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆମର ପୁଣି ତ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଏବେ ତ ମିଳୁଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।